पटना यूनिवर्सिटी में एक तरफ सीनेट की बैठक हो रही थी तो दूसरी तरफ विश्वविद्यालय के बाहर छह संगठनों का हंगामा हो रहा था। अशोक राजपथ पर आगजनी की गई। छात्र संगठनों का आरोप है कि बीएड के फीस को मनमानी तरीके से पटना विश्वविद्यालय ने बढ़ा दिया है। छात्र संगठन विभिन्न मांगों को लेकर सीनेट की बैठक का विरोध कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है और अशोक राजपथ पर गाड़ियों की लंबी लाइन लगी है। छात्र संगठनों ने पटना विश्वविद्यालय को चेतावनी दी है कि अगर फीस में बढ़ोतरी वापस नहीं ली गई तो पटना विश्वविद्यालय के कुलपति को विश्वविद्यालय में घुसने नहीं देंगे और पूरी तरह से विश्वविद्यालय का चक्का जाम कर देंगे। हंगामा का जायजा लिया मरगुबालम ने। विद्यालय प्रशासन के द्वारा जिस तरीके से फीस में वृद्धि हो रही है, आप बताइए, अभी बीएड के कोर्स में जो 1800 रुपया में लोग आकर के करते थे, चलो पटना विश्वविद्यालय से कर लेंगे, पैसा कम है घर में, लेकिन यहाँ भी बोल रहे हैं कि अब 1.5 लाख लगेगा। जब वीसी साहब को जाकर के हम लोग मिलते हैं तो वो बोलते हैं नहीं नहीं वो तो गलती से हो गया। जब आप 1800 में मेहनत कश घर से लड़के लड़कियां जो आते हैं पढ़ने के लिए, आप अचानक से 25,000 कर देंगे, कहां से लोग आएंगे? ये साफ तौर पे मजदूर मेहनत कश के बच्चे बच्चियों को शिक्षा से महरूम करने की